और अगर आप ये कीबोर्ड बिगर लेग्स के यूज़ करोगे तो अगर आप ऐसा टेबल पे रखोगे तो ये देखो कीबोर्ड थोड़ा हिल रहा है, अगर आप इसके लेग्स ओपन नहीं करोगे तो ये देखो ये लड़खड़ाएगा, बिगर टांगों के ये लड़खड़ाता है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक आसूस ROG Claymore 2 वायरलेस ऑप्टिकल मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की, और ये प्रोडक्ट का नाम ही इतना बड़ा है कि इसमें आधी वीडियो निकल जाए। और ये कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया गेमिंग कीबोर्ड है और काफ़ी पावरफुल भी है, और अब तक के अपनी लाइफ में मैंने जो भी कीबोर्ड यूज़ किया है ये उनमें सबसे एक्सपेंसिव है और सबसे बढ़िया भी मेरे को ये लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और ऊपर से इसके अंदर आपको वायरलेस सपोर्ट मिलता है। आप इसको वायरलेस में भी यूज़ कर सकते हो और वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर कोई अलग से आपको सेल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर आपको इनबिल्ट 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और भाई इसके अंदर फीचर्स काफ़ी सारे हैं, इसके अंदर आपको मैक्रो का भी फीचर मिल जाता है, तो अगर आप स्पेशली गेमिंग ये सब के लिए कीबोर्ड परचेस करना चाहते हो तो भाई ये कीबोर्ड आपके लिए काफ़ी सही रहने वाला है। और अगर आप सोच रहे हो इसका प्राइस कितना होगा, तो अगर अभी आप अमेज़ॉन पे चेक करोगे तो ये आपको 23,000 to 49 rupees के आसपास मिलेगा, क्रोमा में आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा 21 या 22,000 के आसपास, पर ऑनलाइन थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। तो यार अनबॉक्सिंग करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो देखिए कुछ इस तरीके के बॉक्स में आपको कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर जैसे ही आप इसका कवर रिमूव करोगे इसके अंदर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, और बॉक्स के सेंटर में देख सकते हो यहाँ पर आपको ROG की ब्रांडिंग मिल जाती है, और जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड का मैनुअल रखा हुआ मिल जाता है, और इसके साथ में इसके अंदर हमको कीबोर्ड के थोड़े डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे इसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं ROG के, तो अगर आपको स्टिकर्स का शौक है तो आपको काफ़ी पसंद आएंगे ये स्टिकर्स। और इसके अंदर साइड में सबसे पहले मिल जाता है इसका डिटेचेबल न्यूमरिक पैड, और कुछ इस तरीके के रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के कवर में आपको कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसके साथ में हमको मिल जाता है मैग्नेटिक रिस्ट रेस्ट, तो ये चीज़ काफ़ी सही है, मैग्नेटिक रिस्ट रेस्ट है, अगर आपको रिस्ट रेस्ट यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप निकाल के इसको साइड में रख सकते हो। और इसके साथ में मिल जाती है हमको बढ़िया सी क्वालिटी की टाइप सी केबल, इसके थ्रू हमारा कीबोर्ड चार्ज भी हो जाएगा, और अगर आपको ये कीबोर्ड वायर के थ्रू यूज़ करना है तो आप इस केबल का यूज़ करके वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके स्पेक्स और इसके फीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप इसका साउंड सुनिए कि जब आप की प्रेस करोगे तो कितनी अच्छी नॉइस आती है। तो यार इसके जो कीज़ है ना मेरे वो काफ़ी सही लगे, काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसको प्रेस करोगे तो काफ़ी बढ़िया सा साउंड आता है, ये जो इसका साउंड है ना मेरे वो काफ़ी पसंद आ रहा है। और इसके बैक साइड पर आपको इसके अंदर ROG की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के लेग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसके लेग्स पर भी ROG की ब्रांडिंग दी हुई है। और अगर आप ये कीबोर्ड बिगर लेग्स के यूज़ करोगे तो अगर आप ऐसा टेबल पर रखोगे तो ये देखो कीबोर्ड थोड़ा हिल रहा है, बिगर टांगों के ये लड़खड़ाता है, तो आप इसके लेग्स के थ्रू इसको यूज़ करो तो देखो, और जैसे आप इसके लेग्स के थ्रू इसको यूज़ करना शुरू करोगे तो इसके अंदर आपको ज़रा भी लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। तो अगर आप लेग्स यूज़ नहीं करोगे तो लैग करेगा, लेग्स यूज़ करोगे तो लैग नहीं करेगा। और हाँ इसके अंदर भी लेग दिया हुआ है ROG वाला। और ये इसका रिस्ट रेस्ट, कीबोर्ड में तो आप ये डिटैच कर सकते हो न्यूमरिक पैड, पर इसके अंदर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, अगर इसको ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो ये देखो इतनी जगह खाली है, इसको भी कुछ फोल्डिंग ऑप्शन देना चाहिए था, खाली यहाँ से अगर ये फोल्डेबल होता या डिटैचेबल होता तो अगर आपको सिर्फ कीबोर्ड यूज़ करना है तो आप कर सकते थे, नहीं तो इतना जगह आप देख सकते हो फ्री में खाली रहती है। यार ये लोग इतना डिज़ाइनिंग पे ये सब पे पैसा खर्चा करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते छोटी छोटी चीज़ से ना क्रिटिसाइज करने का मौका दे देते हैं। और अगर आपको इसके अंदर न्यूमरिक पैड अटैच करना है काफ़ी इजी है यार, इसके अंदर देख सकते हो एक मैग्नेटिक कवर लगा हुआ है, इसको सबसे पहले आपको इस तरीके से रिमूव कर लेना है, और कीबोर्ड के साइड में भी यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक कवर मिल जाता है, इस तरीके से आपको रिमूव करना है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर लॉक्स दिए हुए हैं, तो कुछ नहीं सिर्फ ऐसे रख के इसको इसके अंदर स्लाइड कर देना, जैसे ही स्लाइड करोगे ये कीबोर्ड पूरा अटैच हो जाएगा। और ये जो इसका न्यूमरिक पैड है इसको आप कीबोर्ड के दोनों साइड अटैच कर सकते हो, अगर आपको राइट हैंड साइड की तरफ ये सही लगता है आप वहाँ ही अटैच कर सकते हो, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर अटैच करना है आप वहाँ पर भी कर सकते हो। दूसरे साइड में भी इसके अंदर एक मैग्नेटिक कवर दिया हुआ है, इसको रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक कवर दिया है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, और सेम तरीके से इसके अंदर आप इसको स्लाइड करके कनेक्ट कर सकते हो,
बस इसको इस तरीके से रखना है, स्लाइड किया, कनेक्ट हो गया। आपको अगर लेफ्ट साइड पे न्यूमरिक पैड यूज़ करना है आप वहाँ करिए, अगर आपको राइट साइड पे यूज़ करना है राइट साइड पे करिए। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। और अब बात करते हैं इसके थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसके अंदर आपको वायर और वायरलेस दोनों मोड का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक केबल मिल जाती है, आप उसको कनेक्ट करके वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको वायरलेस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वायरलेस के थ्रू यूज़ करना है तो इसके अंदर आपको एक वायरलेस डोंगल मिल जाता है, आप उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर जो वायरलेस कनेक्टिविटी है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2.4 GHz। और अगर आपको इसको चार्ज करना है तो यही केबल के थ्रू आपका कीबोर्ड चार्ज भी हो जाएगा। और इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसको अगर आप चार्ज करोगे तो अराउंड 30 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको 18 आवर्स के आसपास मिलता है। अगर आप इसकी सारी LEDs ऑन करके इसको यूज़ करोगे तो इसके अंदर आपको 8 आवर्स का बैकअप मिलेगा। अगर आपने इसकी LEDs ऑफ करके रखी और आप इसको यूज़ करोगे तो इसके अंदर आपको 18 आवर्स के आसपास का बैकअप मिलेगा। और इस कीबोर्ड के अंदर आपको 100% एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो यार ये चीज़ काफ़ी सही है। तो अगर आप गेमिंग ये सब करोगे तो भाई आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर आपको मैक्रो का सपोर्ट मिल जाता है। तो यार इसके अंदर जो मैक्रो का सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि मैक्रो के वजह से आप इसके अंदर कोई भी कीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मान लो कि आपको वेपन लोड करना है तो आपने कोई की को कस्टमाइज़ कर दिया, आप वेपन लोड कर सकते हो। अगर आपको फायर करना है या जूम करना है तो आप ये मैक्रो के थ्रू आप कोई भी की को प्रोग्राम कर सकते हो। ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। और अगर आपको गेमिंग के वक्त कुछ वॉल्यूम अप या डाउन करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप वॉल्यूम घटा भी सकते हो और वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो। और इसके अंदर आपको PBT डबल शॉट की कैप्स मिल जाते हैं, और आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर जो कीज़ हैं और जो कीबोर्ड का बॉडी है दोनों अलग प्लास्टिक से बना हुआ है। और इस कीबोर्ड के अंदर आपको ROG रेड और ROG ब्लू स्विचेस का सपोर्ट मिल जाता है। अब ये दोनों स्विचेस मिलकर आपके कीबोर्ड को कुछ अलग ही लेवल पर पहुँचा देती है। आप इसकी कीज़ को कोई भी एंगल से प्रेस करो या कोई भी चीज़ से प्रेस करो, एक आपको वॉबल फ्री एक्सपीरियंस देती है और इजीली इसकी कीज़ प्रेस हो जाती हैं। और ये दोनों इसके अंदर जो स्विचेस लगी हुई है इसके वजह से इसके अंदर आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी कीज़ है काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्ड करती है। 1 ms का इसके अंदर आपको रिस्पॉन्ड टाइम मिलता है और ये आपको एक वॉबल फ्री एक्सपीरियंस देती हैं। तो इसके अंदर जो ASUS ROG RX रेड स्विचेस का यूज़ किया गया है, की वजह से इसके अंदर जो लाइटिंग है काफ़ी बढ़िया मैनेज हो जाती है, काफ़ी बढ़िया ब्राइट इसके अंदर आपको लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो ये दोनों स्विचेस मिलके ना इस लैपटॉप को कुछ अलग ही लेवल पर पहुंचा देती हैं। और अभी तक जितना भी मैंने इसको यूज़ किया मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ काफ़ी सही रहा है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ कोई भी एंगल से इसकी की मैं प्रेस करता हूँ ज़रा भी वॉबल नहीं होता है, और इसकी जो कीज़ है ना काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्ड करती हैं। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।